तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आ गया हूँ मैं फिर से आप लोग के लिए एक वीडियो लेके, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा डाउट में चलने वाले इस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि है कि वे प्रोटीन को हम मिल्क से लें या फिर वाटर से लें। सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है इंस्टा में मुझसे और यूट्यूब में, जो कि लोग पूछ रहे हैं। सो मैं आप लोग के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप लोग को भी ये डाउट है तो आज आप लोग का डाउट क्लियर होने वाला है। सो गाइज, अगर आप लोग इंस्टेंट प्रोटीन यूज़ करते हैं, यानी कि पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन यूज़ करते हैं या फिर प्री वर्कआउट में यूज़ करते हैं, देन आपको क्या करना है कि आपको पानी में हमेशा लेना है, ठीक है? सो पानी में क्यों लेना है, पहले हम मैं ये बता देता हूँ। पानी में लेने का पहला रीज़न ये है कि मिल्क थोड़ा हैवी है, जो कि लेट डाइजेस्ट होता है, ठीक है? और प्रोटीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे बनाया जाता है एकदम जल्दी डाइजेस्ट होने के लिए, ठीक है? इसमें हम लोग को मतलब फास्ट डाइजेस्ट का मतलब उस तरीका से बनाया जाता है कि हमारा फास्ट डाइजेस्ट हो जाए। देन अगर हम लोग पोस्ट वर्कआउट और प्री वर्कआउट में अगर हम लोग प्रोटीन ले रहे हैं, देन हम लोग अगर मिल्क से उसको लेते हैं तो हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा और रिजल्ट बहुत लेट से आएगा, क्योंकि उस टाइम में हम लोग को साथ ही साथ हम लोग को मतलब प्रोटीन की ज़रूरत होती है हमारी मसल्स को रिपेयर करने के लिए। देन हम लोग को इसलिए वे प्रोटीन लेते हैं। अगर आप लोग इसे अगर मिल्क से ले लेते हैं तो ये बहुत बड़ा गलती होगा आप लोग के लिए। तो मैं आप लोग को बोलूँगा कि अगर आप लोग प्री वर्कआउट मतलब वे प्रोटीन यूज़ करते हैं तो आप लोग इसके पानी से लें, बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है। अब बात आती है कि मिल्क से इसको कब लेना है, मिल्क से लेना भी इसके लिए इसको बेटर होगा, बट कब लेना है? सो गाइस, हम लोग अगर वे प्रोटीन रात को सोने समय ले रहे हैं, ठीक है, सोते समय अगर हम लोग को ले रहे हैं, तो हम लोग को मिल्क के साथ इसको लेना है, जो कि हम लोग का मतलब स्लो डाइजेस्ट होगा, धीरे धीरे करके हमारे बॉडी रात भर प्रोटीन मिलेगा, और भी जो हम लोग के मतलब विटामिन्स और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं वे प्रोटीन में, वो हम लोग को मिलेगा। सो ये हम लोग के लिए बेटर रहेगा अगर आप लोग प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट में यूज करें तो, अगर आप लोग इसको मिल्क से मिला दे रहे हैं सो ये बहुत ही हैवी हो जाता है और आपका डाइजेस्ट फास्ट नहीं होता है, ठीक है गाइस? और किसी किसी को ऐसा होता है कि मिल्क से एलर्जी होती है या मिल्क उनको जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, उनके लिए तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप लोग अगर ट्राई कर लें, अगर आप लोग को मिल्क हज़म होता है तो बेटर है, बट फिर भी मैं आप लोग को बोलूँगा कि आप लोग अगर प्रोटीन यूज़ करना चाहते हैं तो वाटर से यूज करें, बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। इंस्टेंट आप लोग को प्रोटीन मिलेगा, जो कि आपका मसल गेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ये वीडियो बस आप लोग का ये डाउट क्लियर करने के लिए था। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस न्यू वीडियो में।